हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सर्कुलर पॉकेटिंग के बारे में। जैसे आप देख सकते हो, ये एक रेक्टेंगुलर है, 100 mm 100 mm 100, ये 100 दिया है और ये भी उसका 100 mm है। और उसका ओरिजिन, ये कॉर्नर पे उसका ओरिजिन, तो उस पर उसी का जो 100 mm 100 mm रेक्टेंगुलर है उसके अंदर हम लोग एक डायमीटर 50, इसका डायमीटर ये दिया है यहाँ पे, डायमीटर 50 का सर्कुलर पॉकेटिंग करेंगे। जैसे उसका साइड व्यू, ये उसका फ्रंट व्यू दे दिया, देन उसका साइड व्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये उसका साइड व्यू दिया है, ये हमारा 100 mm। ओके, और ये जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया है, इतना मेटल हमको रिमूव करना है, वो कितना 50 mm रिमूव करना है, डायमीटर 50 दिया है ना, 50 mm रिमूव करना है। और डेप्थ कितना, 2 mm डेप्थ, उसका डेप्थ कितना रहेगा आपका, 2 mm डेप्थ रहेगा। और इसमें हम लोग यूजिंग करेंगे जो हमारा 10 mm एक यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर 50 mm दिया है, 10 mm 10 mm 20 mm, नहीं तो जितना भी आपके पास अवेलेबल है 16 mm जो भी आपका। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, 10 mm का एग्जांपल लेंगे, और G41 और G03 ये दोनों कॉर्ड यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2020 का लास्ट वीडियो शायद, नेक्स्ट वीडियो 2021 में आ जाएगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो को जरूर शेयर करने के लिए मत भूलिएगा फ्रेंड्स। प्रोग्राम पे हम लोग क्या, पहले एक मेन प्रोग्राम और एक सब प्रोग्राम ऐड करेंगे। तो मेन प्रोग्राम में जैसा आपका कमांड रहता है, एक प्रोग्राम नंबर, उसके बाद हमिंग, उसके बाद टूल, स्पिंडल स्पीड, RPM, ये सब डालना है। ओके, तो मेन प्रोग्राम, उसके बाद सब प्रोग्राम, दोनों में पहले मेन प्रोग्राम देख लेंगे। ये आप उसे पहले और एक बार देख लीजिए, ये आपका एक रेक्टेंगुलर है 100 और ये 100, और हमको पॉकेट जो करना है कितना, डायमीटर 50 mm का पॉकेट करना है, तो हम लोग इसलिए 10 mm यूज कर रहे हैं। ओके, और उसका ओरिजिन सेंटर किधर है, ये आप उसका ओरिजिन X0Y0 यहाँ पे, ये कॉर्नर पे। तो पहले आपका जो प्रोग्राम नंबर, जैसे मेन प्रोग्राम में रहता है, ये आपका मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम। ओके, मेन प्रोग्राम में ये आपका प्रोग्राम नंबर हो गया, देन G21, G90, G40, G49, G94। जैसे G21 आपका क्या है, G21 आपका इनपुट MM मोड पे इनपुट करेगा, उसके बाद G90 आपका क्या है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन G40 आपका क्वार्टर कंपनसेशन कैंसिल, G49 आपका टूल लेंथ कंपनसेशन कैंसिल। ओके, टूल लेंथ कंपनसेशन कैंसिल, देन उसके बाद क्या आ गया आपका, टूल नंबर्स, ये आपका T1 M6, मीन्स हमारा टूल नंबर 1 यहाँ पे कॉल करेगा, टूल 1 पे हम लोग 10 mm लगाया, टूल 1 M6 टूल चेंज करेगा, ओके कॉल करेगा। देन आपका वर्क ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग वर्क ऑप्शन डाल देंगे, जो पार्ट का ऑप्शन लिए थे, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन लिए थे ना उसका, तो G54 X0 Y0, X0 में आ गया क्वार्टर, यहाँ पे आकर हमारा इधर X0 में आएगा और Y भी 0, तो यहाँ पे हमारा जो कॉर्नेट है ना उसका X0 Y0 आ गया। देन सेफ्टी हाइट कितना, 100 mm उसका सेफ्टी हाइट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, स्पिंडल स्पीड डाल देंगे, M03 स्पिंडल 6500, M03 स्पिंडल इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन उसका आरपीएम कितना दिया, 6500 आरपीएम दे दिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या है, यहाँ पे हम लोग को इधर कुछ कट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सेम सेफ्टी हाइट से इधर आना हमको, यहाँ से स्टार्ट करना है प्रोग्राम, क्योंकि ये इतना मेटल हमको रिमूव करना है। तो देन हम लोग क्या लगा यहाँ पे, G00 जो, देन X50 Y50 Z 5 mm और या 2 mm, जितना आपका मर्जी है सेफ्टी हाइट डाल सकते हो, मीन्स X हमारा 50 जाएगा, X में इधर 50, Y में 50, तो दोनों में मिला के इधर कॉर्नर आ गया ना यहाँ पे कोऑर्डिनेट, तो ये 50 में आ गया, X50 Y50, Z 5 mm और 1 mm सेफ्टी हाइट में हो गया। अब तक हम लोग स्टार्ट नहीं किया, कटिंग स्टार्ट नहीं किया, ओनली ये कोऑर्डिनेट पे पहला आया, उसके बाद इधर आ गया। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट क्या, नेक्स्ट आपका आ जाएगा G01 प्लंजिंग देंगे ना, G01 Z0 F200। ओके, यहाँ पे क्या है, G01 और Z0 मीन्स हम यहाँ उसका टॉप लिए थे ना, टॉप उसका ऊपर प्लॉन्च करेगा थोड़ा, और उसके बाद F200 फीट पे। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा सब प्रोग्राम यहाँ पे कॉल कर देंगे, M98 P10 002। ओके, M98 आपका सब प्रोग्राम कॉल, P10 आपका 10 बार कॉल करेगा, उसके बाद प्रोग्राम नंबर कितना, 002। नेक्स्ट आपका G00 Z100, फिर से ये ऑपरेशन, ये हमारा प्रोफाइल ऑपरेशन, जितना भी प्रोफाइल ऑपरेशन इसको बोलते हैं सब प्रोग्राम, देन ये उसका सेफ्टी हाइट फिर आ गया
देन G28, G91, Z0 और G28, G91, X0, Y0 हो गया, देन M30 प्रोग्राम एंड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, एक जो G98 और P10 P002 प्रोग्राम नंबर लगाया तो उसको एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल प्रोग्राम मीन्स आपका सब प्रोग्राम देखेंगे। सब प्रोग्राम हमारा ये प्रोफाइल प्रोग्राम, जितना हमको कोटिंग चाहिए वही कोटिंग का प्रोग्राम। कोटिंग का प्रोग्राम क्या इधर आ जाएगा, सेम आपको हम प्रोग्राम नंबर कितने दिए, हम लोग 002 002 प्रोग्राम नंबर दे दिया एंड ब्लॉक। देन आपका G91 इंक्रीमेंटल मोड, देन G01 Z-2mm फीड 200 दे दिया, Z-2mm कट करके यहाँ पे हमारा जो 2mm था Z-2mm। नेक्स्ट आपका G90 एब्सोल्यूट मोड, G01 X50 Y50 देन फिर 200, मीन से आपका एक्स में 50 आएगा इधर, एक्स में 50 और वाई में 50। ये सेंटर से ना, ये हमारा ओरिजिन, ओरिजिन से एक्स 50 वाई 50 आएगा, इधर ही था ना। इधर आने के बाद Z-2mm 2mm तो कटेगा, डेप्थ ले लेगा, 2mm डेप्थ ले लेगा, उसके बाद इधर कट करके स्टार्ट करेगा। ऐसे डेप्थ ले लिया यहाँ पे 2mm, देन X50 Y50, देन हम लोग यहाँ पे डालेंगे G41 G01 X60 Y50, मीन्स आपका X में क्या, यहाँ से इधर साइड तो क्या आएगा, और क्या इधर एक ड्राइंग बना रहा हूँ, तो ये हमारा 50-50 है, X में 50 Y में 50। तो यहाँ पे थोड़ा आएगा ना क्वार्टर, 10 mm है ना, 10 mm आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स में 60 हो गया और वाई में सेम आपका 50 में रहेगा, वाई कुछ चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट आपके यहाँ पे G03 डालेंगे, सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉक वाइज G03 CCW, देन एक्स आपका 60, देन वाई 50, देन यहाँ पे I10 और J0। यहाँ पे आपका क्या, I10 और J0, एक्स आपका सेम 60, देन वाई आपका सेम रहेगा 50, I10 और J0। आई मीन्स क्या, आई का डेफिनेशन, आई इज द डिस्टेंस एंड डिरेक्शन, डिस्टेंस और डिरेक्शन फॉर्म कर्व लास्ट पार्ट, मतलब लास्ट एंड टू स्टार्ट एंड टू लास्ट एंड, और द सेम द कर्व इज द डिरेक्शन ऑफ एक्स डिरेक्शन। मीन्स आपका आई इज द डिस्टेंस एंड डिरेक्शन फॉर्म कर्व लास्ट पॉइंट ऑफ द कर्व टू डिस्टेंस, और उसका डिस्टेंस क्या है, एक्स में जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये आपका है, यहाँ पे क्या है, ये कर्व, ये पॉइंट स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट डिस्टेंस, और ये कौन सा डिरेक्शन में हो रहा है, एक्स डिरेक्शन में हो रहा है। इसलिए ये यहाँ पर आपका आई वैल्यू आएगा, आई, और ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव ये आपको डिपेंड करता है आपका ऊपर। हम लोग यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये है उसका आई का। और जे क्या है, जे आपका सेम डिस्टेंस और डिरेक्शन, सेम आपका स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट और इन द डिरेक्शन ऑफ वाई डिरेक्शन, ये डिरेक्शन में आपका अगर रहेगा तो यहाँ पे जे रहेगा, और एक्स डिरेक्शन में रहेगा तो आई रहेगा। और माइनस वैल्यू वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया I10 और J0। नेक्स्ट आपका रहेगा, नेक्स्ट आपका G01 X70 I50, एक्स में मतलब ये वन रोटेशन कट हो गया ना, तो फिर थोड़ा इधर आना है आपको 70 mm और 10 mm आना है, तो एक इसलिए यहाँ पे आ गया X70 Y50, देन G03 X70 Y50, देन आपका I कितना 20 आ जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग क्या यहाँ पे 10 में रोटेशन किए थे, कर्व किए थे, उसके बाद और 10 mm ऐड हो गया, इसलिए 20 हो गया I20। जे आपका सेम रहेगा 0, क्योंकि हम लोग वाई में कुछ भी रोटेशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका G01 X75, क्योंकि हम लोग दो बार कट कर दिया ना, 10 mm और 10 mm कट कर दिया, और 20 mm और 10 mm है,
हम लोग को कितना 25 कट करना है, क्योंकि रेडियस उसका 25, तीन बार कट गया ऑलरेडी, 10 mm कट कर दिया ओके, इसलिए यहाँ पे हम लोग का क्या 75 और 5 mm बच गया। दो बार कट कर दिया 20 mm हो गया, और इसलिए यहाँ पे 5 mm 75 आ गया। तो G01 X75 Y50 रहेगा आपका सेम, देन G03 X75 Y50 J I कितना रहेगा बोलिए, आई आपका 25 होगा, क्योंकि यह आपका हम लोग कितना पहले हम लोग देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे देखिए पहले हम लोग आई पे 10 mm लिया, उसके बाद यहाँ पे और एक बार 10 mm और 10 mm प्लस ये 20 mm ले लिया, और ये लास्ट में आपका रहेगा आई माइनस 25, जेड आपका जे आपका जीरो रहेगा ओके। उसके बाद M99 सब प्रोग्राम एन, फिर यहाँ पे यहाँ तक तो आ जाएगा, देन यहाँ पे आपका जो हमिंग प्रोसेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो था आपका जो सर्कुलर पॉकेटिंग के बारे में। इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स दीजिए, शायद आपको आई जे के बारे में थोड़ा डाउट होगा, क्योंकि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे तब तक, नमस्ते।